स्वामी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सत्ता की लालच में सब हैं सराबोर। ना तो सीएम हैं झुकने को तैयार और ना ही विपक्ष हैं रुकने को तैयार। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। विश में सीएम नीतीश तेजस्वी में टोका टोकी। नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल तो मुख्यमंत्री बोले, यहाँ रहिएगा तो सब बता देंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिसरण पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई विवाद पर सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में आप सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिना उपस्थिति के सब बेकार है। बीजेपी नेता ने की सीएम से अपील, नशीली पदार्थों के तस्करों को जल्द पकड़े सरकार। बीजेपी नेता आरके सिन्हा ने बिहार सरकार से अपील की है, जल्द से जल्द नशीले पदार्थों के तस्करों को पकड़कर इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करे ताकि उन पर कानून का शिकंजा कसा जा सके। तेजस्वी ने पूछा, 50 साल में जबरन रिटायरमेंट का नियम नेताओं पर क्यों नहीं, सीएम और मंत्री को भी हटाना चाहिए। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कर्मचारियों के एक बड़े मामले को सदन में उठाया। तेजस्वी यादव ने सदन में सरकार से पूछा कि 50 साल में जबरन रिटायरमेंट का नियम कानून हम राजनेताओं पर लागू क्यों नहीं। इन नियम के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष को भी जबरदस्ती रिटायर कर देना चाहिए। राम मंदिर पर बोले जदयू MLC गुलाम रसूल बलियावी, कोर्ट के फैसले को पूरे देश के मुसलमानों ने माना। जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने बजट पर कहा कि जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद बजट लगातार बड़ा हो रहा है, इससे विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष यह सवाल कर रहा है कि 15 साल बनाम 15 साल। उन्होंने कहा कि जो लोग 15 साल पहले बिहार घूमे थे और जो आज 15 साल बाद घूम रहे हैं, उन्हें विकास दिख रहा है। मैथिली भाषा की अनदेखी का मामला विधानसभा में उठा। मिथिलांचल में फिर होगी शुरू इसकी पढ़ाई। बिहार विधानसभा में आज मैथिली भाषा की अनदेखी का मामला मिथिलांचल से आने वाले विधायकों ने उठाया। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए बीजेपी विधायक संजय सागवानी समेत अन्य विधायकों ने सरकार से यह मांग की है कि मिथिलांचल के इलाके में मैथिली भाषा की पढ़ाई जल्द शुरू की जाए। संजय सागवानी ने कहा कि संविधान की अनुसूची में मैथिली भाषा भी शामिल थी, उस वक्त मिथिलांचल में मैथिली की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब जब अष्टम अनुसूची में मैथिली शामिल है, उसके बावजूद राज्य में मैथिली की पढ़ाई क्यों नहीं। भीषण आग लगी में कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 के बगल में देवीपुर में 8 घर जलकर राख। बताया जा रहा है कि आग लगी के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन अचानक लगी आग से घर में फूस से बने घरों में सारे सामान जलकर राख हो गए। सभी घर महादलित के बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। पटना में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, होली में घर आने वाले स्टेशन और एयरपोर्ट पर होगी कोरोना टेस्ट। कोरोना को लेकर बिहार सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सभी जिले में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए टेस्टिंग और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। विधानसभा में श्रेयसी सिंह ने तेजस्वी की कराई बोलती पर। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश में खेल कूद की बुरी स्थिति का जिक्र किया।
इस दौरान उन्होंने जमुई विधायक और शूटर शेरसी सिंह का जिक्र करते हुए पूछा कि बताइए कि बिहार में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय राज्य की शूटिंग रेंज है और जहां बिहार की प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिल सके। तेजस्वी ने कहा, क्या हम नहीं चाहते कि बिहार में खिलाड़ी भी अपनी पहचान बना सके, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी। जंगल राज को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, जितना क्राइम 15 साल में हुआ उतना नीतीश जी ने 5 साल में करवा दिया। बिहार विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी जानते हैं कि उनका भाषण सरकार द्वारा लिखी जाती है। इससे पहले सदन को सिर्फ 4 दिन चलाने की बात कही जाती थी, लेकिन बिहार में क्राइम अपराधियों को दे दी गई है। भ्रष्टाचार की हालत यह है कि उनके कार्यक्रम में 75 घोटाले हो गए हैं। कम्युनलिज्म को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ के बड़े पदों पर किसे नियुक्त किया गया है, इसके बारे में सभी को पता है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। मास्क नहीं लगाने वाले सवाल पर भड़क गई महनार की राजद एमएलए बीना सिंह, कहा मीडिया वालों को कोई काम नहीं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान विधायकों और कर्मियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। विधानसभा के भीतर मास्क लगाकर नहीं आने का निर्देश है, लेकिन माननीय भी इसका पालन करना जरूरी नहीं समझते। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।